सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम सब लोग एक इंडस्ट्री का हिस्सा है, मतलब हमारी इंडस्ट्री एक परिवार है। परिवार का एक लड़का या एक लड़की अगर गलत करता है तो पूरा परिवार खराब होता है। सबकी नज़र में, पूरे गांव के नज़र में उस परिवार को लोग गलत बोलते हैं। तो ये हमारा परिवार है, अगर कोई एक गलत कर रहा तो सबको उसी नज़र से देखा जाता है। कल को हर जगह वही चीज़ें उठती हैं। अभी आप आए हो, आप ये सवाल पूछ रहे हो, अभी कल को मैं किधर भी शो के ले जाऊँगी वहाँ भी सेम यही सवाल उठेगा। तो आप ये छीछा लेदर प्लीज़ और मीडिया के सामने ये सब छीछा लेदर मत करो। आप केस करो, मुकदमा करो, FIR करो, जो करो, पर पर्सनल लेवल पे करो, ऐसे सबके सामने करना इट्स नॉट गुड। नहीं, लेकिन आप ये बोल रही हैं, लेकिन एक नाम भी लड़की अगर होगी, मान लीजिए कल को उसके साथ कुछ छेड़खानी हो या कुछ दुर्व्यवहार करे कोई, तो वो भी तो इस तरह से मीडिया के सामने आके हाँ कर सकती है ना। अगर अगर आपका पहले उसके साथ रिलेशन ना रहा हो, आप पहले रिलेशन बनाते हैं, आप पहले सब कुछ, मतलब भोजपुरी में कहा बाकी गुआ में पुआ पकैलू अकेले अकेले, और अब जब सबके सामने आ गए तो दिक्कत होगा था। तो वही चीज है कि जब आपने, मैं अक्षरा जी को भी गलत नहीं बोलूंगी, बस उनका जो वे है वो गलत है। आप सब कुछ करिए, आपके साथ जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप एक्शन लीजिए, लेकिन ऐसे छीछा लेदर करके अपनी इज्जत के भी आप वाट लगा रहे हो, उनकी इज्जत के भी वाट लगा रहे हो, ये मत करो, बस मेरा इतना ही। और ऐसा भी माना जाता है कि पवन जी का जो व्यवहार है बहुत, मतलब उनके अंदर ये है कि वो जहाँ भी डोमिनेट करते हैं हर जगह वो उस चीज़ों को, मतलब फिल्म की बात हो या शोज में भी, वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, मैंने तो जहाँ तक सुना है, शोज तो मैंने किए उनके साथ, फिल्में भले नहीं करी, लेकिन इंडस्ट्री में हूँ तो जो भी चीज़ें होती है सुनने को मिलता है। मैंने तो सुना जब अक्षरा जी उनके साथ में थी तो उनके शोज भी वही डिसाइड करती थी कि कौन से डेट में पवन जी खाली हैं तो शो करेंगे या नहीं करेंगे। फिल्मों के डेट्स भी अक्षरा जी ही कन्फर्म करती थी कि इस डेट में करेंगे। इवन फिल्म में फर्स्ट लीड अगर अक्षरा जी हैं तो सेकंड लीड कौन रहेगा वो भी अक्षरा जी ही डिसाइड करती थी, जहाँ तक मैंने सुन रखा है। अब पता नहीं इस बात में कितनी सच्चाई है, तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि पवन जी ऐसा है। तो लेकिन उन्होंने ये भी बोला है कि मतलब इंडस्ट्री के लोग को रोकते हैं वो कि आप अक्षरा के साथ काम नहीं करो, और इंडस्ट्री के लोग इतने डरे हुए हैं कि वो ये नहीं चाहते हैं कि वो काम करें उनके साथ, क्योंकि उनको एक कैरियर में सेटअप होगा, मतलब क्या कहना चाहता हूँ कि रुकावट होगा। तो ऐसा तो नहीं है, काम तो कर ही रही हैं। पवन जी भी वेब से गाते हैं गाने, वो भी वेब से गाने गा रही हैं, ऐसा तो मुझे कहीं से नहीं लग रहा, वो भी काम कर रही हैं। अगर पवन जी ने ऐसा अगर कुछ किया है ठीक है, तो आप क्या बोलने पे आप ट्रस्ट करेंगे? अगर मैं आपको बोलूं कि आपने मुझे धमकी दी है तो आप लोग ट्रस्ट करेंगे? बिकॉज मेरे पास कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने मुझे धमकी दी है, कुछ लाइक कुछ कॉल रिकॉर्डिंग्स या ऐसी कोई ऐसा कोई प्रूफ तो होना चाहिए कि हम ऐसे किसी के ऊपर भी कीचड़ उछाल देंगे। देखिए, मैंने पहले बोला कि मैं पवन जी को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं बस सही और गलत को सपोर्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे फालतू में किसी के ऊपर कीचड़ मत उछालिए। ये वो हमारे इंडस्ट्री के रेपुटेटेड पर्सन है तो ये चीज़ गलत है, बस इतना ही मेरा कहना। और प्रोफेशनली कहना चाहूँगी, क्या कर रही हैं, कोई शो या कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आप? हाँ, फिलहाल कल मेरा शो है देवघर में, मैं अभी जस्ट आपके इंटरव्यू के बाद निकलने वाली हूँ। कल बासुकीनाथ में मेरा शो है, स्टेज शो, तो अगर वहाँ से मुझे लोग देख रहे हो तो प्लीज़ आप लोग सब कल ज़रूर आइए मेरे शो में और ढेर सारा एंजॉय करेंगे हम। अच्छा, ये आमतौर पर जो नाम जोड़ा जाता है, अक्षरा जी और पवन जी की बात नहीं है, दिनेश जी हैं और अमृतपाली जी हैं और खेसारी जी और काजल जी हैं, ये फ़ायदेमंद होता है आपको लगता है करियर के हिसाब से आर्टिस्ट के लिए? क्या बताऊँ यार, मतलब अभी बहुत सी चीज़ें ना बोलना चाहती हूँ पर नहीं बोल पाते, इसलिए क्योंकि चीज़ों की डेप्थ को कोई नहीं समझता, बस सब गाली गलौज और गंदी बातें कमेंट्स में। मैं पब्लिक से भी बोलना चाहूँगी कि आप लोग भी पहले उस चीज़ को समझिए कि कौन सही है कौन गलत है, इस बात में कितनी हद तक सच्चाई है, तो फिर आप लोग भी कमेंट्स करिए। बिकॉज़ क्या, हम चाह के भी सच्चाई नहीं बोल पाते हैं कि मतलब क्या बोलूँ, क्यों दूसरों के पछड़ों में अपना कि हम दामन गंदा करें, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। और ये जो जोड़ी जो चल रही है, लोग कहते थे जोड़ियां हिट होती है इसके लिए पब्लिक पसंद करती है, मैं तो आज के डेट में सुन रही हूँ जितनी फिल्में आ रही हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जितनी फिल्में आ रही, फिर चाहे वो कितने भी बड़े स्टार हो अपने जगह पे, अपने आप को कितना भी बड़ा पिलर मानते हो, सबकी फिल्में आज के डेट में फ्लॉप है। हम तो भाई चलो एल्बम आर्टिस्ट है, हम तो उससे एक्सपेक्ट भी नहीं करते, सबकी फिल्में फ्लॉप है और हर प्रोड्यूसर आज के डेट में ही बोलता है यार रिकवरी नहीं है, रिकवरी नहीं है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि जोड़िया हिट है और जोड़ियों की वजह से ही इंडस्ट्री चल रही है? अच्छा, ये भी जानना चाहूंगा, आपका भी काफी लंबे समय से ताल्लुका था इंडस्ट्री से, जितने भी लोग हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात कर लें या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर लें, कुछ सही लोग रहते हैं, कुछ गलत लोग रहते हैं, अनुभव अच्छा बुरा होता है, तो क्या कहना चाहेंगे कि आपका कैसा अनुभव रहा है, और अगर गलत अनुभव रहा है तो आपने कभी आवाज उठाई उसके खिलाफ कुछ चीजें? मैंने जैसा कभी बोला कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि हम चाह के भी
भी नहीं बोल पाते, हम चाहते हैं बोलना पर नहीं बोल पाते। और हमारी इंडस्ट्री की बेसिकली जहाँ तक बात करूँ तो हमारी इंडस्ट्री मुझे जहाँ तक लगता है कि सबसे गंदी और सबसे कचरा इंडस्ट्री है, वेरी फ्रेंकली बोल रही हूँ मैं। इसलिए विवाद वहाँ भी होते हैं, बॉलीवुड में भी विवाद होता है, बड़ा से बड़ा यहाँ सलमान खान शाहरुख खान थप्पड़ मारने तक का विवाद हुआ, लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। टॉलीवुड में भी विवाद होते हैं, तेलुगु में, तमिल में, लेकिन इतना छींचा लेदर कभी नहीं होता। हमारे यहाँ तो हर महीने कोई नया नया कॉन्सेप्ट आ जाता है यार, नई नई चीज़ें पैदा हो जाती है पता नहीं कहाँ से, सब जो जिसके आज आप घुस घुस के काम कर रहे हो, सारी चीज़ें हो रही है तो कोई नहीं जानता, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो पूरी मीडिया जान जाती, पूरा पब्लिक जान जाता, ये गलत है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा कि आगे चल के मतलब आप लड़की हैं, करियर बना लिए हैं, शादी भी करेंगे, किस किस किस्म के इंसान से रिश्ता जोड़ेंगे, इंडस्ट्री के किसी इंसान से? नहीं, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे, नहीं। मैंने पहले भी इंटरव्यू में बोला था कि मैं अपने घर के मर्जी के साथ ही करूँगी, मेरी फैमिली वाले जिससे चाहेंगे मैं उसी से शादी करूँगी, इंडस्ट्री का तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए मुझे। और इवन अगर इंडस्ट्री का हो तो मेरी तरफ फ्रैंक हो, जो चीज़ हो मतलब किसी डर के दब के नहीं, टू बी जो भी चीज़ें एकदम फ्रैंकली बोले कि हाँ ये है तो ये है, मतलब जो ऐसे घुसड़पट्टी लोग है ना हमारी इंडस्ट्री में, उस टाइप के लोग नहीं चाहिए मुझे। फिर भी क्या क्या क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री के किसी भी इंसान से आप शादी करते तो आपको ज्यादा फायदेमंद रहता है करियर के हिसाब से? नहीं, शादी ब्याह जो चीज होती है वो फायदे और घाटे के लिए नहीं किया जाता है, शादी ब्याह है कि मतलब वो जिंदगी भर चलाना है उसके साथ, हम फायदा घाटा हम कोई डील थोड़ी कर रहे कि फायदा घाटा देखेंगे। अच्छा। तो और इंडस्ट्री के जो लोग उनका कोई गारंटी नहीं है, वो कब किधर करवट मार दे, अभी पता चला जिसके साथ कल उसके साथ परसों उसके साथ, तो कोई गारंटी नहीं होती यहाँ के लोगों की। तो फिर भी तो ऐसे माहौल में आप सस्टेन कर सकते, मतलब आप कैसे इतने साल तक काम कर रही है, आप खुद बोल रही है कि पता नहीं। तो देखो ना, मैं तो वही तो बोले, मैं बहुत फ्रेंकली बात करती हूँ, शायद हो सकता है इसके लिए मुझे भी कमेंट्स में गालियाँ सुनने को मिले, या हो सकता है जो चीज लोग मेरी बात को समझे वो तारीफ भी करें। मैंने आज तक किसी के साथ काम नहीं किया, ना पवन जी के साथ, ना दिनेश जी के साथ, ना खेसारी जी के साथ, किसी के साथ ना, क्यों, सब अपना अपना गोल बना के बैठे हैं कि ये मेरा गोल है, ये मेरी हीरोइन है, ये मेरा डायरेक्टर है, ये मेरा प्रोड्यूसर है, ये मेरे आर्टिस्ट है, ये मेरा म्यूजिक डायरेक्टर है, वो उनके साथ ही करेंगे भाई, हमारी हीरोइन फिक्स है, हम चेंज नहीं कर सकते अपनी हीरोइन, फिल्म चाहे भाड़ में जाए, हिट होए फ्लॉप होए, मुझे मतलब नहीं है। तो जब ऑलरेडी ऐसा गोल बना हुआ तो घुसने का जगह ही नहीं है, और हम कोशिश भी नहीं करते भैया, हम अपने एल्बम से बहुत खुश हैं, अपने स्टेज प्रोग्राम से बहुत खुश हैं, हमको नहीं चाहिए ये सब छींचा लेदर, नहीं चाहिए मुझे। अभी हाल ही में देखिए, अभी मी टू हुआ था तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री तो पूरा, आपको पता है कि हर किसी का नकाबपोश हो गया कि जितने लोग जुड़े थे इस इंडस्ट्री से, भोजपुरी इंडस्ट्री में होता है, लेकिन उस चीज़ के बारे में अगर अक्षरा जी आज पवन जी के बारे में बोली है, आप कह रही हैं कि ठीक है ये गलत है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके बारे में बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वो कोई भी इंसान हो, बोलना ज़रूरी होता है? ठीक है, आप, मैंने तो ये भी बोला ना कि आप बोलिए, लेकिन ऐसे मीडिया के सामने आ करके अपनी रेपुटेशन की वाट लगाओ, दूसरे की रेपुटेशन की वाट लगाओ, ये गलत है, तब गलत है। आज आप उनका एक और मैंने सुना था एक लाइन कि मेरी पब्लिक मुझे बहुत प्यार करती है और मेरे गानों के बहुत व्यूज़ जाते हैं। मुझे जहाँ तक पता है, मैं बहुत अच्छे से तो नहीं जानती उनकी गायकी के बारे में, क्योंकि अभी अभी उन्होंने गाना स्टार्ट किया है, तो उनका पहला गाना भी पवन जी ने ही उनसे एल्बम में गवाया था, राइट? शायद बोलबम का गाना था, पवन सिंह के गाना बजा के मे भी ये था, मुझे याद नहीं है शायद। तो जिस इंसान ने आपको गायकी सिखाई है, जिसके चलते आप आज एल्बम्स कर रहे हो, उसने तो एक बार भी नहीं बोला ऐसे ऑन मीडिया के कि यार मैंने उसको गायकी सिखाई, वो मेरे ऊपर कीचड़ उछाल रही, उसने तो कभी ऐसा नहीं बोला। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं मानती हूँ कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपको मैसेजेस आ रहे, कॉल्स आ रहे, सारी चीज़ें, आप FIR कर रहे हो, करो, लेकिन ऐसे मत करो ये जो आप बेइज्जती करा रहे हो सारे लोगों की, ये मत करो, बस इतना ही मेरा। अच्छा, आमतौर पर ये भी पूछना चाहूँगा कि एल्बम्स की बात कर रहे हैं, आप एल्बम्स में काम करती हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो माहौल है पैसे को लेकर, मतलब बहुत कम पेमेंट होता है आर्टिस्ट का, मेहनत वो भी करते हैं, नाम भी होता है उनका, लेकिन ये सब जो माहौल है, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि, और बजट भी कम होता है, ये सब चीज़ में थोड़ा इसका मेन रीज़न वही है जो बताया ना मैंने कि वो जो पिलर्स और जो गोल बना के सबने रखा है ना, मेन रीज़न यही है। अभी क्या होता है, तीन टाइप की फिल्में हमारी इंडस्ट्री में बनती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड की। तो ए ग्रेड की फिल्में जो होती है वो तो हमारे स्टार्स को लेके बनती है, जहाँ की उनकी ही हीरोइनें होती हैं, उनके ही सारे लोग होते हैं, वहाँ पे दूसरे लोगों के लिए जगह नहीं होती, तो बच गया हमारे पास बी ग्रेड की फिल्में। और ए ग्रेड की फिल्मों की रिकवरी ऑलमोस्ट जितना खर्चा होता है उतना मे बी हो जाता होगा रिकवरी, और जो बी ग्रेड की फिल्में बनती है उसकी रिकवरी नहीं होती। और जब रिकवरी नहीं होगी तो प्रोड्यूसर या डायरेक्टर कहाँ से पैसे देगा, अपने घर से तो देगा नहीं, जाहिर सी बात है। और एक और बात बोलना चाहूँगी अपने तरफ से, जब भी कोई लड़की आवाज़ उठाती है किसी के खिलाफ, पिछली बार भी जो सीन हुआ था कि खेसारी जी का और प्रियंका जी का जो भी विवाद था, मुझे नहीं पता क्या था, उसके बाद भी देखिए कौन कहाँ है
वो वहीं के वहीं स्थिर हैं और जिसने आवाज उठाया वो कहाँ पहुँच गई है। कुल आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में यही प्रॉब्लम है कि अगर तुमने सच बोला, अगर तुमने मुंह खोला तो हम तुम्हारी वो स्थिति कर देंगे, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे और तुम्हारा मतलब भाव एकदम नीचे गिरा देंगे हम कि तुम घर बैठ जाओ, ये स्थिति हो जाती है यहाँ। और ये भी जानना चाहूंगा, इतने सालों से जुड़ी है, इतनी मेहनत कर रही है, तो वो रिटर्न मिल पाया आपको जो आपने मेहनत की है इतने सालों से, आर्थिक तौर पर या जो आप पहचान चाहती थी उतना संतुष्ट है? मैं अपने पहचान से बहुत खुश हूँ, मेरी इतनी पब्लिक मेरे पास है जो मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती है और मैं इस चीज़ से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं अपने एल्बम से, अपने स्टेज शो से बहुत संतुष्ट हूँ और फिल्मों से मुझे ऐसे भी एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हाँ, फिल्में बीच बीच में करती रहती हूँ, छोटी मोटी फिल्में, क्योंकि मैं चमचागिरी नहीं कर सकती, किसी के साथ जाके बैठ नहीं सकती, उसके साथ दारू नहीं पी सकती, टाइम पास नहीं कर सकती, इसलिए मैं ज़्यादा बड़े स्टार्सों के साथ फिल्में नहीं कर पाती हूँ। और जो मेरे पास सामने से फिल्में आती है, फिर चाहे वो स्टारों की फिल्म हो या नॉन स्टार फिल्म हो, नए लड़के की फिल्मों में मना नहीं करती, मैं सारी फिल्में करती हूँ। तो मैं, मुझे जितना मिला है इंडस्ट्री से या जितना मिल रहा है उसमें मैं बहुत खुश हूँ।